इस सरकार में एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, और अब हम नहीं, राजस्थान की जनता नहीं, अब तो कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि पोषाहार वितरण के अंदर अनियमितता हो रही है। एक महीने का पोषाहार मिलता है, दूसरे महीने पोषाहार का लोग इंतजार ही करते रहते हैं, लेकिन पोषाहार डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और इसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन के अंदर भी इस तरीके का एक जखीरा पकड़ना, और राजस्थान सरकार के द्वारा सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटने का दावा करने के उपरांत सारी की सारी सैनिटरी नैपकिन दूसरे राज्य के अंदर कवर चेंज करके और बेचे जाना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि राजस्थान के अंदर मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, और बिना अधिकारियों के, बिना राज्य सरकार के नुमाइंदों के ये भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। सारे के सारे नेता जो कांग्रेस की सरकार को बचाने के अंदर या कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने के ऊपर उतारू थे, वो सारे के सारे इसी तरीके के भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार के मुखिया पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही सरकार का दावा करने वाले कम से कम अपने इन विभागीय या राजनेता या पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तो अंकुश लगाने का काम करें।